नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के दोस्तों पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि आपको रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत न पड़े। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया है, यानी बार बार पूछा गया है। और हम आपको बता दें दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका बता रहा हूं। पहले एक बार प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी जो समीकरण दोस्तों है, यह तीसरा वाला, यह अनुत्तरित है, इसका उत्तर नहीं दिया गया है, इसी का आंसर बताना है। किस आधार पे बताना है दोस्तों? जैसे ये बोला है ऑप्शन नंबर पहले में, देखिएगा 9 + 8 + 7 = 8 है लिखा है, ठीक है। दूसरे में लिखा है दोस्तों 6 + 4 + 2 = क्या लिखा है दोस्तों? यहां पे ध्यान दीजिए, 4, ठीक है। तो पूछ रहा है दोस्तों 5 + 4 + 9 = क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, यहां पे आपको बताना है, ठीक है। तो प्रश्न को समझने का प्रयास करिए, ध्यान दीजिएगा। आपको ये नहीं कि यहां पे जोड़ना है, यहां पे जोड़ने की बात नहीं करे, जोड़ेंगे 9, 8, 7 जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये क्या, देखिए ये 24 हो जाएगा, जोड़ने पर 8 नहीं होगा, और हमें क्या करना है दोस्तों? 8 करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए दोस्तों, इसमें कुछ संख्याएं जोड़ सकते हैं, कुछ संख्याएं हटा भी सकते हैं, आप कुछ भी करिए, ठीक है, या सभी संख्याओं को जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, 8 लाना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 9, 8, 7 को हम क्या करें कि 8 हो जाए, आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। तो 9, 8, 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो 24 होगा, यहां पे करना है 8, तो 8 होगा नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे सोचिए, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को सोचने का थोड़ा सा तरीका देखिए, सॉल्व करने का तरीका सीखिए कि कैसे कैसे हम इस प्रश्न को सोच सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं दोस्तों 9 और 7 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 होगा, और 16 में से दोस्तों ये बीच वाली संख्या 8 माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 8, बराबर में 8 होगा ना। इसी प्रकार से 6 और 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 8, और 8 में से दोस्तों ये बीच वाली संख्या घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से लास्ट वाले देखिएगा, 5 और 9 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 में से दोस्तों 4 कम करेंगे तो क्या होगा, 10, क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, 10। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 10 आंसर आया, 10 ऑप्शन में भी होना चाहिए। देखिए किसी ऑप्शन में 10 दिख रहा है, देखेंगे किसी भी ऑप्शन में 10 नहीं दिख रहा है, तो प्रश्न क्या होगा दोस्तों, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अगर किसी ऑप्शन में 10 आंसर होता तो हम डायरेक्ट इसको आंसर देते 10, लेकिन 10 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ अलग तरीके से सोचेंगे, यानी ये प्रश्न अलग तरीके से सॉल्व होगा। ऐसे पहले भी हम आपको प्रश्न कराए थे, आंसर आया था लेकिन इसमें नहीं आया, तो क्या करेंगे, अब इसको अलग तरीके से सोचेंगे। अलग तरीके से कैसे सोचेंगे, आप क्या करिए, तीनों संख्याओं को एक बार जोड़िए, 9, 8, 17, और 17 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24, ठीक है। 24 को 8 कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 24 को 8 हम इसमें 3 से भाग करेंगे तो ये बराबर में क्या हो जाए, 3 और 8 = 24, 8 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बी वाले को देखिएगा, यहाँ पे 6, 4, 10, 10, 2, 12 आया दोस्तों, 12 को क्या करिए, इसे भी 3 से भाग करिए, तो 3 × 4 को क्या हो जाएगा, 12, और देखिए 4 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी तीनों संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग करना है, ठीक है। अब नीचे वाले में देखिए क्या इसको करने पे आंसर आ रहा है कि नहीं, 5, 4, 9, 9, 9, 18 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 5, 4, 9, 9, 9, 18 हो गया, 18 को क्या करिए दोस्तों, आप 3 से भाग करिए, तो 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 × 6 = 18 बराबर में क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। देखिए 6 किसी ऑप्शन में है, देखेंगे हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, और हम उम्मीद करते हैं आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिएगा हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, और ऐसे प्रश्न हम आपको पहले भी कराए हैं। और प्रश्न को क्या करिए, एक बार ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं, आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास दोस्तों जरूर करिए, ठीक है। प्रैक्टिस के तौर पर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, देखिए क्या आप इस प्रश्न का आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, ऐसे आप अपने आप से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जैसे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा,
दोस्तों यहाँ पे एक श्रृंखला यानी सीरीज चल रहा है और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क, किसी क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो आप क्या करेंगे, श्रृंखला यानी सीरीज से रिलेटेड कभी भी दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं कैसे आगे चल रही है। कहने का मतलब है श्रृंखला में देखिए 5 है, 2 है, 7 है, 9 है, 16 है, 25 है, क्वेश्चन मार्क है। तो आप अगर संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आंसर मिलेगा, कैसे मिलेगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर मैं बोलूं दोस्तों 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगला संख्या प्राप्त हो रहा है 7। इसी प्रकार से 2 और 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, अगला संख्या प्राप्त हो जा रहा है 9। इसी प्रकार से 7 और 9 जोड़ेंगे तो अगला संख्या प्राप्त हो रहा है 16, समझ रहे ना। इसी प्रकार से 9 और 16 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 25 हो गया। इसी प्रकार से 16 और 25 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 41, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 41 आएगा, 41 आएगा। देखिए 41 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे प्रश्न सॉल्व हुआ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है पीछे वाली दो संख्या जोड़ना है, आगे वाली संख्या मिल जाएगी। देखिए 2 5 जोड़े तो दोस्तों 5 2 7 हो गया। इसी प्रकार से आप ऐसे देख सकते हैं 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 7 और 9 जोड़ेंगे 16 हो गया, 9 और 16 जोड़ेंगे 25 हो गया, 16 और 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 41 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपके आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिए। और चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दें उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। और अभी दोस्तों आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से हम उसके सिलेबस को कवर करा दें ताकि आप एग्जाम को अच्छे तरीके से पास कर जाए, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके दोस्तों आप लोग जरूर बताइए। चलिए अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट किया है। और देखिए आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, वेन डायग्राम बनाना है दोस्तों किसका, महिलाएं वकील और बेटे के बीच में। अब ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम के प्रश्न कभी भी एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये जो शब्द दिए हैं जैसे इनके बारे में वेन डायग्राम बनाना है, महिलाएं वकील बेटे, इन तीनों शब्दों को आप देखिए कि सोचिए एक प्रकार से अपने दिमाग से एक दूसरे से कैसे संबंधित है, महिलाएं कौन होती हैं, वकील कौन होता है, बेटे कौन होते हैं, आपको ऐसे सोचना है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखिए वकील इसमें क्या है, कॉमन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, महिलाएं सोच सकते हैं, महिलाएं पता ही है आपको, वकील बेटे, तो आप ऐसे करेंगे, ये वकील हो गए। वकील कौन होते हैं दोस्तों, महिलाएं वकील होती है कि नहीं, हाँ कुछ महिलाएं वकील होती है, सभी महिलाएं वकील नहीं होती है, कुछ महिलाएं वकील होती है, ठीक। इस प्रकार से अब देखिए बेटे कौन होते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपके पिताजी वकील हैं तो किसी के बेटे हैं, किसके बेटे हैं, आपके दादाजी के बेटे हैं, यानी कि कुछ बेटे भी दोस्तों क्या है, वकील होते हैं, ये बेटे का सर्कल हो गया, यानी इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, समझ रहे हैं ना। अब ये बेटे का मतलब आप ये ना सोचिएगा कि छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा है, आपके मान लीजिए आपके पिताजी हैं, ठीक है, आपके पिताजी क्या हैं, वकील हैं, और वो किसके बेटे हैं दोस्तों, आपके दादाजी के, ठीक है, तो वो छोटे बच्चे नहीं है। इस प्रकार से आप ना सोचिएगा, इस प्रकार से सोचेंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको ऐसे सोचना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इस टाइप से होगा। तो इस टाइप से देखिए किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी दोस्तों जरूर प्रैक्टिस करिए। अभी आप नीचे कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कि कौन से एग्जाम के लिए आप फॉर्म फिलअप किए हैं ताकि उस एग्जाम की प्रिपरेशन हम अच्छे तरीके से करा दें, कमेंट नीचे जरूर करिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, एक कूट भाषा में हिस्ट्री HISTORY, ठीक है, HISTORY को IJTUPSZ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इंग्लिश ENGLISH का कोड क्या होगा, ये बोल रहा है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, कभी भी ऐसे कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, आप देखिए दोस्तों H को ये क्या लिखा है दोस्तों, H को I लिखा है, यानी अगला अक्षर लिखा है, I
को देखिए दोस्तों क्या लिखा है, जे लिखा है, यानी आई के बाद जे आता है। एस को क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिए टी लिखा है, समझ रहे हैं ना। टी को क्या लिखा है दोस्तों, यू लिखा है, यानी अगला अक्षर टी के बाद यू आता है। ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, पी आता है, तो पी लिख दिया। आर के बाद एस आता है, तो एस लिख दिया। वाई के बाद दोस्तों जेड आता है, तो जेड लिख दिया। यानी ये लिखा क्या है दोस्तों, अगला अक्षर लिखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, इंग्लिश के लिए लिखेंगे। ई के बाद दोस्तों क्या आता है बताइएगा, एफ आता है, ठीक है। एन के बाद दोस्तों क्या आता है, एन के बाद ओ आता है। जी के बाद दोस्तों बताइए क्या आता है, जी के बाद एच आता है, ठीक है। इस प्रकार से एल के बाद दोस्तों क्या आता है, एल के बाद एम आता है, ठीक है। आई के बाद दोस्तों क्या आता है, आई के बाद जे आता है। एस के बाद दोस्तों क्या आता है, टी आता है। और एच के बाद दोस्तों क्या आता है, आई आता है। अब देखिए F O H M J T I, F O H M J T I किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप चाहते तो दोस्तों इसमें 5 से 10 सेकेंड और बचा सकते हैं। कैसे सेकेंड बचा सकते हैं, उसके लिए आसान तरीका बता रहा हूँ, समझिएगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ई के लिए क्या आएगा दोस्तों, एफ आएगा। अब आप देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में एफ है, तो देखेंगे पहले में है, तीसरे में है, फिर एन के बाद दोस्तों क्या आता है, एन के बाद ओ, ओ पहले में भी है और तीसरे वाले में भी है, ठीक है। जी के बाद दोस्तों क्या आता है, एच आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जी के बाद यहां पे जी ही लिख दिया है और यहां पे ऑप्शन नंबर सी में एच लिखा है, बस इतना ही मिलाएंगे, आंसर दे देंगे ऑप्शन नंबर सी, आपको आगे मिलाने की जरूरत भी नहीं है। जब आप प्रश्न दोस्तों एग्जाम हॉल में बैठेंगे, एग्जाम में जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे दोस्तों, आप जब परीक्षा दे रहे होंगे तो उस टाइम पे क्या करना है ना, आपको को ऑप्शन भी देखते चलना है। जब ऑप्शन देखते चलेंगे कुछ ही सेकंड में आंसर आपको मिल जाएगा, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो ही ऑप्शन में है और यहां पे पहला आपका जब गलत हो गया, एफ से स्टार्ट है, सी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका पूरा देखेंगे मिलाएंगे तो पूरा वही रहेगा, ठीक है। ऐसे भी आप करके टाइम बचाएंगे, टाइम जब बचेगा दोस्तों तो उसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देंगे, ठीक है। उसमें आप क्या होगी अटेम्प्ट, आप दोस्तों आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, टाइम को भी आप वो करने बचाने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए, तो ऐसे भी आप प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। चलिए, और हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न है दोस्तों, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब दोस्तों मिसिंग नंबर, कहां पे संख्या गायब है। देखिए तीसरे वाला जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, यहां पे देखिए डबल क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यानी यहां पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसी क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप पहले वाले देखेंगे, इसमें अंदर क्या लिखा है, 14 लिखा है, दूसरे वाले में 26 लिखा है, तो आप ये देखेंगे पहले वाले में 14, दूसरे वाले में 26 कैसे लिखा है। जैसे दोस्तों पहले वाले में 14 लिखा है, दूसरे वाले में 26 लिखा है, उसी प्रकार से हम तीसरे वाले में दोस्तों क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको ये देखना है, ये जो 14 है, ध्यान दीजिएगा, ये जो दोस्तों 14 है, ये 1, 2 और 3 को कुछ करके लिखा है, तो 1, 2, 3 को हम क्या करें कि 14 हो जाए, 1, 2, 3 जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 3, 6 होगा, जोड़ने पर 6 हो रहा है, 14 नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, कैसे 14 कर सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोले दोस्तों आप 1 का स्क्वायर करिए तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करिए तो क्या होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर करिए तो दोस्तों 9 होगा, इसे जोड़िए, 9, 4, 13 और 13 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 14 होगा, समझ रहे हैं। यानी जो साइड में जो अंक दिए हैं, कॉर्नर पे अंक है, उसका स्क्वायर करके जोड़ना है, तो दूसरे वाले में देखेंगे क्या ऐसे हो रहा है कि नहीं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। देखिए 16, 1, 17 और 17 में दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 9 जोड़ेंगे, ठीक है, यानी 9, 1, 10 यहां पे जोड़ेंगे और यहां पे आप ऐसे चाहे 16 जोड़ ले, 26 हो जाएगा, ठीक है, 17, 9, 26 और 26 देखिए बीच में दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से लास्ट वाले के साथ करेंगे, 5 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, 25 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 4, 1, 5 ध्यान दीजिएगा, ये 4 है, 4, 1, 5 और 25 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 30 होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 30
होगा। देखिए 30 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि उस एग्जाम की प्रिपरेशन हम अच्छे तरीके से करा सके। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल ईबुक लॉन्च की गई है। यह ईबुक आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 1500 प्लस क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। इस ईबुक को दोस्तों आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, कमेंट बॉक्स में है, आप कहीं पर भी क्लिक करके इस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ईबुक की कीमत दोस्तों मात्र 49 रुपीज है। अगर आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है 7080108555, आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अब तक की दोस्तों ये बेस्ट ईबुक है, इसे एक बार लेके आप जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।